मैं मंदिर जाकर आ गई हूँ, सब लोग राधिका भी नहा धो के मंदिर जाएगी, सब लोग जाते, पापा नहा धोकर चले गए ऑफिस। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, हवा चल रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, गर्मी के कारण हालत ख़राब हो रही है। चलो राधिका सब्जी बना, पोहे आज मैं बनाऊँगी, मैं पोहे बनाते हुए आपको मिलती हूँ। राधिका बोल रही है लमकन डाल दो मेरे, मैंने ये पोहे बनाएंगे अब, मैं और मम्मी खाएंगे। हम लोग कल के व्रत थे तो बहुत तेज भूख लगी थी, और वैसे भी क्या एकादशी के दूसरे दिन चावल खाने चाहिए, तो हमने पोहे बना लिए। तो हम आपको, मम्मी आज सब्जी क्या बना रहे हो? सब्जी बना रही हूँ तोरी की एंड पकौड़ी की कढ़ी। हाँ चलो ठीक है, मम्मी बना रही है पकौड़ी की कढ़ी और तोरी की सब्जी। 11 बज चुके हैं और राधिका ने भी ना लिया, राधिका ने भी ना लिया और मम्मी अब खाने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी खाने में पकौड़ी की कढ़ी बना रही है, तो अभी पकौड़ी बना रही हूँ। और हमारी आंटी आ गई है जो कि काम कर रही है, काम वाली आंटी। हाँ आई आंटी, क्या बोल रहे हो? क्या मैं आती हूँ, सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। अच्छा लाई आंटी, कुछ बोल रही हो, सुनाई नहीं दे रहा, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। मैं पूछती हूँ आंटी जी क्या कह रही थी। अरे बहुत धूप हो रही है आंटी, इस फ्लोर की सफाई कर रही है। और आंटी थैली मांग रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली उसको भरने के लिए। ये देखो आज का मौसम, कड़ती धूप, नीचे आम वाला भी खड़ा है, देखो कितनी धूप हो रही है, नीचे आम वाला खड़ा है, देखकर मन कर रहा है खाने का, पर मैं ऑलरेडी बहुत सारे आम खा चुकी हूँ। गाइस आंटी थैली मांग रही थी, मैं नीचे मम्मी से जाकर पूछूंगी कोई थैली है क्या, मिट्टी भरने के लिए थैली मांग रही है आंटी। देखते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है आज तो सफाई अभियान चल रहा है घर पे भी। मम्मी आंटी थैली मांग रही है कोई थैली। मम्मी ने बोला ऊपर से आई हूँ, नीचे जाना पड़ेगा। हालत आज बहुत ख़राब हो रही है, ऊपर नीचे करते करते मम्मी को खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या देना है और क्या नहीं। मम्मी ने पता नहीं क्या दिया है, मम्मी ने थैली दी इसके अंदर वाली है, और मेरी पॉलीथीन दे दूँगी आंटी इसके अंदर कचरा भर लेंगे सारी आंटी। आंटी की हालत कैसी हो गई है? यह है पत्ती, इसे आंटी कहती है पत्ती। बोलो आंटी। लगभग मम्मी की कढ़ी भी पूरी तैयार हो चुकी है, मतलब खाना पूरा नहीं डाला, अभी मसाला रह गया है, ये देख लो और पक गया उसके बाद मसाला। मम्मी अभी फ्राई करेंगी और पकौड़ी वगैरह भी नहीं डाली अभी मम्मी ने। राधिका, राधिका की शॉर्ट्स वीडियो बन चुकी हैं। राधिका, मम्मी ने डांट दिया तो राधिका थोड़ा गुस्सा हो गई है क्योंकि ये कढ़ी जब घुमा रही थी तो उसके छींटे इसके ऊपर आ गए हैं, और अभी अभी तक ऋषभ आया नहीं, ऋषभ बड़ी मम्मी की गया है। तो राधिका ये रही, राधिका बालकनी में जा रही है, उसकी फ्रेंड कहीं जा रही है इसलिए। देखो हम लोग बालकनी में खड़े हैं और राधिका पता नहीं अपनी फ्रेंड को देख लिए जा रही, देखो वो मोटरसाइकिल से गई। बालकनी में राधिका हवा कैसी चल रही है? घर गई है वो अपने, राधिका से बोला नहीं जा रही सीरियसली, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है इस तरीका बिहेव कर रही है तो बिल्कुल। अरे हटना, गाइस मेरे बहुत तेज लग गई थी राधिका पीछे से आकर मेरे कंधे में चढ़ी गई क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है मुझसे। राधिका देखो कैसे मुझे परेशान करके राधिका बहुत। गाइस मैं छोटी छोटी प्लेटों में कान्हा जी की और गणेश लक्ष्मी जी का भोग लगा रही हूँ, और मम्मी उनके लिए छोटी छोटी रोटियाँ सेक रही गोविंद के लिए। ये कान्हा जी का भोजन आ गया है, देखो चावल कढ़ी घिया तोरी की सब्जी रोटी, और मीठे में कुछ था नहीं तो चीनी रख दी है ये गणेश लक्ष्मी जी का। अब ये लोग खाना खाएंगे बैठ के सब लोग। राधिका ने अपना खाना लगा लिया और खाने स्टार्ट भी हो गई है, मेरा भी मन कर रहा है उसे देख कर। राधिका
राधिका को फर्क नहीं पड़ता कोई खाए या ना खाए, बस मैं खाऊं और कुछ नहीं। मम्मी ऑर्डर दे रही है राधिका जमाएगी बर्तन और मैं करूंगी रसोई साफ। चलो मैं भी खाना खा लेती हूँ, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, कल की व्रत हूँ। राधिका खाना कैसा बनाए? राधिका कढ़ी अच्छी बनी है? राधिका भी चिल्ला रही थी नमक दे मम्मी ने उसके ऊपर। गाइस सब लोग सो गए हैं और किचन वगैरह का काम भी खत्म हो गया है, बर्तन वगैरह सब धुल चुके, किचन वगैरह सब साफ हो चुकी है और मम्मी राधिका सब लोग सो गए हैं। अब 2:30 हो चुके हैं, मैं भी थोड़ी देर सोऊंगी, आपको मिलती हूं सोने के बाद। बाय बाय। आ चुका हूँ बड़ी मम्मी के घर से, अभी शाम हो चुकी है बिल्कुल। तो गाइस मैं छत पे जा रहा हूँ, ये हमारे शाम के 6 बज चुके हैं और सब लोग उठ गए हैं सो के, मामा मामी आ गए थे और ये ऋषभ लेटा हुआ है, पता नहीं फ़ोन में कौन से वीडियो देख रहा है। अभी मैं सोच रही हूँ ऊपर जाने के, क्योंकि आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है, कूलर के ठंडी हवा खा रहे हैं। गाइस मैं ऊपर जाकर मैं आपको मौसम दिखा दूँ कितना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं ऊपर जा रही हूँ क्योंकि आज बहुत ठंडी हवा चल रही है, अच्छा मौसम हो रहा है। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। उठ के मत लिया चलो, जल्दी गरज रहे हैं, पता नहीं आज बारिश होगी क्या होगा। हमारी तो पास मेट्रो भी है, इतने सुंदर बादल हो रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। ऑसम थोड़ी सी वॉक करके ही नीचे जाऊँ जब आ गई हूँ तो, वरना फिर अभी ठंडा मौसम भी हो रहा है तो अच्छा लगेगा वॉक करना, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सीरियसली आज बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है, वैसे मन नहीं करता, हमेशा तपता रहता है, छत तपती रहती है, तपन से होती है, पर आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऋषभ का फ़ोन आ गया है तो मैं नीचे जा रही हूँ, अब ऊपर आने के बाद ऊपर आ जाते तो आवाज़ सुनाई नहीं देती, इसलिए वो कॉल करके बता रहा है कि नीचे आ जा, उसने पापा के फ़ोन से फ़ोन किया था इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ। देखो गाइस मैं नीचे आ गई हूँ और ये देखो ये दोनों बैठे हुए, चिमका आंटी, राधिका क्या कर रहे हो तुम दोनों फ़ोन में क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? तो गाइज मैं और रक्षा और मम्मी बड़ी मम्मी की जा रहे हैं और राधिका मामी की जा रही है, तो आपको मिलते हैं उधर से आने के बाद। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ, रक्षा तो है बड़ी मम्मी के और राधिका है मामी के, दोनों उधर ही सोएंगे। मैं तो खाना खा लिया, मम्मी और पापा बच्चे हैं अभी वो खाना खा रहे हैं, 12 बज चुके हैं, बहुत लेट हो चुके हैं, बहुत गर्मी हो रही है, पसीने हो गया, आपको मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बताएं।